भैया अगर हिल स्टेशन आना है तो अच्छे से 3 महीने पहले बॉडी को फिट कर लो। जिमिंग की, रनिंग की आदत होनी चाहिए, इंक्लाइन की आदत होनी चाहिए आपको। और दूसरी बात यह है कि योगा वगैरह करो, जिससे कि आपकी जो ब्रीदिंग इशू है वो यहाँ ना हो, क्योंकि हम बहुत हाइट पर हैं तो यहाँ पे ब्रीदिंग इशू भी होते हैं। तो इसलिए अगर योगा करेंगे तो जो आपका जो ये श्वास वाला सांस लेने वाली जो वो होती है ना, वो खुल जाती है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शबनम परवीन ऑफिशियल। तो ये हमने व्लॉग जो है, पिछला व्लॉग हमने यहीं से छोड़ा था। यहाँ हम आ गए हैं कॉक्सर में, जहाँ हमें स्नो देखने के लिए मिलेगी। तो 2 से 3 घंटे के लिए जद्दोजहद करते हुए, ट्रैफिक से जूझते हुए, फाइनली अब हम यहाँ आ गए हैं जहाँ हमें गाड़ी पार्क करनी है। तो बस वही जगह हम देख रहे हैं कि कहाँ हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और अब लगभग बारिश पूरी तरह से बंद हो चुकी है और जो मौसम है वो थोड़ा थोड़ा सा खुला खुला सा भी हो गया है। तो इसका मतलब अब हम पूरा एंजॉय कर सकते हैं जिस पर्पज से हम यहाँ पर आए थे। हम आ गए हैं अब इन बच्चों को बर्फ में स्नोमैन बनाने के लिए। अली को बनाएंगे हम स्नोमैन, ठीक है? ठंडी हवा आ रही है। तो लोग जो है एंजॉय कर करके आ रहे हैं, या यूं कह लो थक थक के आ रहे हैं, क्योंकि खुशी किसी के चेहरे पे नजर नहीं आ रही है। जा तो हम भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम जब आएंगे तो इनके जैसा फेस बना के आएंगे या हंसी हंसी आएंगे। हाँ गाड़ी से निकल के कुछ दूर चल के हम जा रहे हैं पहाड़ पे, बर्फ वाले। ठंड इतनी हो रही है, देखो। हाँ, कोहरा। और वो देखो, वो तो दिख ही नहीं रहा होगा कैमरे में। मम्मी लोग चलते चलते आगे चले गए। ये रही मामी जी, ये रहा अली। ओए अली, चलो। इसमें चलने में ऐसा लग रहा है जैसे पेंगुइनों। हाँ, हाथ ऊपर उठाओ जरा थोड़ा सा। और ये देखो, पैक का दिखाओ, इतना काला धुआं क्यों है, जैसे कुछ जल रहा हो। काला धुआं नहीं है, वो कोहरा ही है और जलने की स्मेल भी आ रही है। और जिन दीदी से हमने ये ड्रेस और ये शूज़ लिए थे, ये वो शूज़ के बारे में बता रही थी कि जब आप स्नो में जाएंगे या आप जब ठंडी में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक ही बर्फ़ पर जाते हुए थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि काटते हैं जूते, इसलिए चलने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। मम्मी लाल, अच्छा चश्मे के ऐसे हमारी हालत हो चुकी टाइट, बहुत सांस लेने दो थोड़ा सा। अबे तुम कैसे हो, तुम कैसे ट्रैवलर हो तेरे? अबे हम थकते ही हैं, हम पेशेंट ले ट्रैवलर है, पेशेंट। तो कॉक्सर के बारे में आप बताइए, आपको ज़्यादा जानकारी है। कॉक्सर जो है ये मनाली से लगभग 41 किलोमीटर दूर बैठता है, और जो एक अटल टनल बनी है जिसने कि 9 किलोमीटर लंबी है, जिसने ये रास्ते को 40 किलोमीटर कम कर दिया है। और कोकसर के बाद में अगर रोहतांग पास जाया जाए तो उसके लिए सिर्फ 19 किलोमीटर का एरिया रह जाता है। कोकसर एक खूबसूरत जगह है जहाँ की आपको बर्फ़ मिलेगी, और नॉर्मली इसका जो टेम्परेचर है वो 1 और 0 इनके आसपास रहता है। जब हम लोग गए थे, यानी कि हम मई में गए थे, तब इसका टेम्परेचर 4 और 5 डिग्री चल रहा था, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएँ हमें लग रही थी, और हम पूरा एंजॉय कर रहे थे इस प्लेस को।
ज़्यादातर लोगों ने कान भी बंद कर रखे थे, क्योंकि एक तो हाइट की वजह से बंद हो रहे थे, दूसरा ठंड की वजह से भी बंद हो रहे थे। ये 10,300 फीट हाइट पर है, तो इतनी हाइट पर कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, ख़ास तौर से जो एज फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग। और मेरे को भी थोड़ा लगा था कि जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई है, लेकिन जब वहाँ कोकसर पहुँच गए और वहाँ पर थोड़ा मस्ती करी सबके साथ में, तो तब वो सब ख़त्म हो गया और एकदम नॉर्मल लगने लगा। वाकई में वहाँ की हवा जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ठंडी और बहुत ही खुशहाल लग रही थी। लोग इतनी ठंड में भी इतना एंजॉय कर रहे थे, उनके फेस से ही लग रहा था। हालांकि सब जो आते थे वो थके आते थे। मैं बता भी रही थी ना कि ये सारे इतने हारे थके से क्यों आए हैं, वो इसलिए आए हैं, एक तो जूते जो ना चलने नहीं दे रहे थे, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम तो करते ही है, और जो सूट हमने पहना हुआ था वो भी थोड़ा सा ऐसा ही होता है कि चलने फिरने में दिक्कत होती है। अब ये देखिए, यहाँ आके मैं थक गई थी, तो मैंने कहा पहले हम यहाँ बैठ कर सांस लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा ही आगे था जहाँ पर ये लोग सब मस्ती करेंगे, आगे आप लोग में देखते रहिएगा। अब वो लोग तो चाहे दुखी आए हों या चाहे मुंह बना के आए हों, हम लोग तो खुशी आए थे, हंसते खेलते आए थे। और ये देखो मैं मम्मी से लड़ रही हूँ। सबसे ज़्यादा मस्ती तो अली ने और परी ने की, और यही सबसे ज़्यादा थके थे। अली तो भाई थकने का नाम ही नहीं ले रहा था, कहने को वो 2.5 साल का बच्चा है, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया और बिल्कुल भी नहीं थका। और बर्फ़ में इतना ज़्यादा खेला था, बाद में उसके हाथ ना सुन्न हो गए थे बिल्कुल, ग्लव्स जो थे वो गीले हो गए थे। हमारी ये थोड़ी गलती रही कि हमने जो वो चमड़े के या जो सो कॉल्ड वो वाटरप्रूफ वाले होते हैं ना, वो हमने नहीं लिए थे, तो बस हमें लगा कि इतना ज़्यादा स्नो नहीं होगी क्योंकि नवंबर दिसंबर नहीं है, लेकिन यहाँ आपको गर्मी में मई जून जुलाई यानी कि पूरे सीज़न आपको यहाँ बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी। फ्रेंड्स ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ आते तो हैं कि हम बच्चों को एंजॉय कराएंगे, उनको मज़े आएगा, लेकिन यहाँ आके हर आदमी बच्चा बन जाता है। अभी थक गए। और फ्रेंड्स यहाँ बहुत मस्ती करते हैं सब लोग, और तो बच्चों ने भी नहीं माना और वो ऊपर चढ़ते चले गए, लगातार चढ़ते चले गए। और शबनम जी और बाकी सब लोग तो नीचे ही थे, पर बच्चों का ख्याल रखना जरूरी था क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट होती है, तो मैं उनके पीछे पीछे उनके साथ तक चला गया। और ये देखिए मैंने इनकी फिर ये वीडियो बनाई, ये लोग इतनी मस्ती कर रहे थे वहाँ बर्फ में जाके एक दूसरे के ऊपर, और टारगेटेड जो है अधिकतर परी हो रही थी, मतलब एमी भी उसी के ऊपर बर्फ़ मारता था और अर्श भी, और फिर भी परी को पूरा एंजॉयमेंट मिल रहा था और वो पूरा मज़ा कर रही थी। वाकई में जगह ऐसी थी कि वहाँ जाके सभी बच्चे बन जाते हैं। और अली तो पहले से सोच कर आया था कि मैं परी गप्पी के मुंह पे बर्फ़ मारूंगा, और उसने किया भी, उसको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। तो ये लोग जो है ना ऊपर चले गए और मैं और भाभी रुक गए थे नीचे। तो ये वहाँ की क्लिपिंग है जब ये लोग और ज़्यादा हाइट पर चले गए थे, वहाँ की जो बर्फ़ थी वो ज़्यादा वाइट थी क्योंकि ज़्यादा लोग उधर नहीं जा पाए थे, तो वहाँ की गंदी नहीं हो पाई थी। नॉर्मली तो क्या है कि लोग जैसे जूते लेकर जा रहे हैं, मिट्टी में से बारिश भी हो गई थी, तो जो बर्फ़ थी उसका कलर थोड़ा सा मटमैला सा हो गया था, लेकिन ऊपर की जो बर्फ़ थी वो ज़्यादा वाइट थी और ज़्यादा बर्फ़ थी वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा लोग हाइट पर नहीं जा पा रहे थे, तो इन लोगों ने वहाँ जाकर भी खूब मस्ती की। और हम लोग जो है भाभी लोग और मैं और बबलू, हम लोग नीचे रुक गए थे क्योंकि अली था हमारे साथ, तो हम लोगों ने वहाँ मस्ती की। और फ्रेंड्स वहाँ पर एक वाटरफॉल था जो पीछे ये दिखाई दे रहा है, अगर ये आप देख सकें, और ये बहुत ही अच्छा था और कुदरती था सारा ये। इसमें क्या था, इजीली बीच बर्फ़ में से पानी आ रहा था और काफ़ी ऊपर से हाइट से वो फॉल कर रहा था, और उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा था, जो बेसिकली वहाँ तक पहुँचना लगभग ऐसा लग रहा था जैसे नामुमकिन हो। और बार बार ही बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पहुँच जाएँ, और मैं कह रहा था नहीं बेटे वहाँ नहीं जाना, वहाँ का रास्ता ठीक नहीं है और वो बर्फ़ जो बहुत सॉफ्ट होती है और कभी भी आप नीचे आ सकते हो। और ये देखिए जो थोड़ा सा ही पानी आपको दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इतना पानी भी एक ऐसा शोर उत्पन्न कर रहा था कि जिसमें बड़ा मज़ा आ रहा था उस पानी की आवाज़ से, मतलब एक तरफ तो बच्चों की इन सब की आवाज़ आ रही थी, दूसरा हवा की अपनी एक आवाज़ थी सन 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 करके, और दूसरा ये पानी रियली इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, क्या बताएं फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे सीन इतने सारे कैप्चर कर लें और सबको दिखाने के लिए, सबको बताने के लिए, मतलब दिल बिल्कुल वाकई में बच्चा हो जाता है वहाँ पर जाकर। और मुझे लगता है ये शायद आखिरी पहाड़ी थी जहाँ तक आप, क्योंकि इसके बाद की पहाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही है ना, तो ये हाइट ज़्यादा थी। पता नहीं आप लोग कैसे चले गए, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ऊपर चढ़ने पे, क्योंकि बीच बीच में कुछ पत्थर थे ना जहाँ से जिस तरफ से आप गए थे,
और वो क्या था, वो जो टायर पे वहाँ लोग जो वो फिसल फिसल के आ रहे थे हाइट पे से, वो क्या चीज़ थी, क्या बोलते हैं उसको? वो बेसिकली स्लीपिंग का मज़ा ले रहे थे। एक टायर ले लेते हैं जिसके अंदर वो लोग बैठ जाते हैं और वहाँ से स्लिप होकर नीचे तक आते हैं। और ये देखिए यहाँ नहीं है बर्फ़, कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ रुकी हुई, और कहीं कहीं जहाँ वहाँ बड़े बड़े पत्थर भी थे तो वहाँ बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं, कोई कोई बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ था और कोई कोई वैसा ही था। और पानी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे दूध बहकर आ रहा हो, बिल्कुल एकदम सफ़ेद। और यहाँ इतना मन लग रहा था कि यहाँ से जाने का मन नहीं था, लेकिन क्योंकि दिन भी ढल रहा था, क्योंकि हमें जो है अभी 2 से 4 घंटे हमें लगने थे वापस में जाने के लिए जितनी हाइट पर हम आए थे, लेकिन इसके बीच में हमें एक पॉइंट पर और जाना था। कौन सी जगह थी जी? वो शिशु जगह थी, और वहाँ बहुत ही अच्छी जो थी एक नदी थी जो बहुत ही अच्छी म्यूज़िक के साथ बह रही थी, वो भी बहुत अच्छा था, जिसकी हमने बहुत सारी रील्स भी बनाई थी। आइए देखते हैं। और अब हम आ गए हैं एक और प्लेस पर, इसका नाम है शिशु। ये बेसिकली ओपोजिट साइड में था और ये रोहतांग पास के रास्ते में पड़ता है, और यहाँ पर एक खूबसूरत लेक बनी हुई है और बराबर में ही नदी बहती है। नदी का पानी काफ़ी है और काफ़ी आवाज़ आती है उस पर, और जहाँ नदी है तो वहाँ जिप लाइन है, तो वहाँ बहुत सारी जिप लाइन के प्लेसेस बने हुए थे, स्टेशन बने हुए थे। जिप लाइन बेसिकली ये वो है जहाँ कि आप एक रोप से एक हुक के साथ में हैंग कर दिए जाते हैं और लटक कर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस यानी कि उस रिवर को क्रॉस करते हैं। और ये इस तरह से था कि बेसिकली आप विदाउट मोटराइज्ड था, आप मतलब बाय ग्रेविटी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इस तरह से बना हुआ था। ये सब पूछ रहे थे ये कैसे होता है, तो मैं इन लोगों को समझा रहा था। और यहाँ देखिए दोनों बहन भाई की मस्ती, ये देखो एक दूसरे को मार के भाग रहे थे, और पहले परी भाग रही थी फिर अर्श उसके पीछे भाग रहा था। और यहाँ इन लोगों को फिर वॉशरूम जाना था, तो इन लोगों ने पता किया जहाँ बहुत ही अच्छी फैसिलिटी थी बनाया हुआ था। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वॉशरूम का और इसका तो एक इंतज़ाम होना ही चाहिए। जब आप पूरे दिन के लिए टूर पे निकलते हैं तो अब पहाड़ी में तो आपको ऐसी जगह नहीं मिल सकती ना, तो ऐसे जगह जगह पर इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने ये प्रोवाइड कराए हुए हैं, ये एक मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा, और मतलब इससे लगा कि हाँ ठीक है। यस, ये तो है, सिविल एमिनिटीज़ अगर होती हैं तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आपका जो टूर है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बजाय इसके कि आप प्रेशर में इधर से उधर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्मॉल रेस्टोरेंट भी बना हुआ था, वो भी हिमाचल टूरिज्म वालों का था, अच्छा था वो भी। शिशु एक अच्छा प्लेस है, ये बेसिकली जो अटल टनल है उसके दूसरी साइड पड़ता है, कोकसर एक साइड पड़ता है लगभग 4 किलोमीटर और ये लगभग 6 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही सुंदर और अच्छा प्लेस है। ये बेसिकली लाहौल के एरिया में आता है, और इससे अगर आगे निकल जाएं तो पहले ये लाहौल स्पीति की तरफ चला जाता है जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है, और जब हम वापस जाएंगे तो अगेन दोबारा से अटल टनल होते हुए ही वापस जाएंगे। तो ये बेसिकली एक ऐसा प्लेस है कि जो आप अटल टनल के आने के बाद में दोनों तरफ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमने 4 घंटे करीब जो है वहाँ कोकसर में स्पेंड किया। अच्छा व्यू लग रहा है, पता है आप सर्दियों में आते तो पूरा ढक जाता है, लेकिन जब इसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ थोड़ा थोड़ा पहाड़ दिखता हुआ होता है ना, तो उसका व्यू का मज़ा ही अलग होता है। मुझे तो यहाँ पे रुक के ठंडी ठंडी हवा, मौसम का मज़ा बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और ये देखो इन लोगों को डर नहीं लगता भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैंने तो कोई कोशिश नहीं की कैसे भी करने का, लेकिन आवाज़ आ रही है ना पानी की कल 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 कल, और ये पहाड़। और इसके बाद एक बार फिर हम निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ और खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए, और इस तरह से आगे चलते हुए एक बार फिर हमको अटल टनल क्रॉस करनी पड़ेगी जो काफ़ी खूबसूरत बनाई हुई है, काफ़ी आरामदेह है, प्रॉपर लाइटिंग है, हवा है, वेंटिलेशन है। और ये देखिए हम अटल टनल में आ गए हैं, और ये अटल टनल क्रॉस करने के बाद में हम जा रहे हैं सोलांग वैली सोलांग गांव का एक हिस्सा है जहाँ स्पॉट डेवलप कर दिया गया। तो भाई अब हम आ गए हैं सोलांग वैली, यहाँ पे देखिए पैरा ग्लाइडिंग होता है और ये बंजी जंपिंग है और हॉर्स राइडिंग का है, ये बच्चे बैठ गए हैं। और इसको क्या बोलते हैं, क्या बता रहे थे? ये जा रही है ना ट्रॉली सी, बता रही है केबल का, हाँ केबल कार राइडिंग है शायद ये।
ग्रीन फील्ड तक। हाँ, ग्रीन फील्ड से पैराशूट वाला चलता है। हाँ, 1000 रुपीज लेता है। हाँ, वो चला। हाँ, हाँ, वो चला। ये आया। और तो मैं बता देता हूँ। हाँ बताइए। ये पैराग्लाइडिंग जो है ना, दो तरह की है यहाँ पे। एक 1000 फीट वाली है, तो वो वहाँ से ग्रीन जो फील्ड बना हुआ है वहाँ तक वॉक करते हुए ये वाला हाँ जाना होता है ऊपर। वहाँ 1000 रुपीज चार्ज करते हैं। पायलट उसके साथ में होता है, कैमरा उसके साथ लगा हुआ होता है। वो आपको शूटिंग करके भी देते हैं, 1 सेकंड और 1 मिनट की राइड कराता है। और ये पैराग्लाइडिंग से आपको यहाँ ला के बिल्कुल सुरक्षित उतारेगा। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग का अलग चार्ज। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए उसकी, तो वो अलग से लेगा। और इसको क्या कहते हैं, केबल कार बोलते हैं? हाँ, केबल कार, रोप वे या केबल कार। इसके 700 रुपीज़ हैं 1 पर्सन के, जाना और आना। हाँ, ये ऊपर लेकर जाएंगे और वापस आप इसी और से। ये देखिए, यहाँ से जाते हैं, ये ऊपर जाता है और फिर वहाँ से भी वहाँ ऊपर से भी पैराग्लाइडिंग का है। जो वो मतलब उसका 3500 रुपये है, उसका चार्ज ज़्यादा है। हाँ, वो ज़्यादा राइड लेता है। और अगर वीडियो बनाएंगे तो अगेन वहाँ पे भी एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। और वहाँ पे भी पायलट होते हैं साथ में। हाँ, वो पायलट के आप खुद तो पैराग्लाइडिंग जानते नहीं हैं, इसलिए ये एक्टिविटी है। इसके अलावा यहाँ पर हॉर्स राइडिंग है, यहाँ पे याक राइडिंग है, यहाँ पे बंकी जंप है। ठीक है, तो आप जंपिंग कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज, फन एक्टिविटीज। अगर आपको और ज़्यादा वो पहाड़ देखने हैं बर्फ़ वाले, तो आप इसमें जा सकते हैं। मुझे तो इसमें भी डर लगता है। ये आपको और ज़्यादा नज़दीक ले जाएंगे ऊपर वाली पहाड़ियों पे, जहाँ वो बर्फ़ पड़ेगी। और यहीं कितना ठंडा हो रहा है। Yes. Go there. देखिए, एक पूरी पैराग्लाइडिंग आपको दिखाते हैं फोकस करके। ये ऊपर जो ग्रीन पाथ पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पैराग्लाइडर जो है भाग कर और ये एयर उसमें फिल करते हैं और वहाँ से कूद जाते हैं, और उसके बाद में ये ग्लाइडिंग करना शुरू कर देता है। और वो इतने परफेक्ट होते हैं कि उन्हें पता है कि किस तरह से उसको ऊपर ले जाना है, किस तरह से नीचे। अब देखिए, ये ऊपर हवा में ये घूमता हुआ ये आ रहा है हमारी तरफ को। अब ये अपने आप ही इसको कंट्रोल करेगा, थोड़ा नीचे लेकर आएगा और डायरेक्शन देकर इसी ग्राउंड में एक पूरा राउंड देकर इसको नीचे उतार लाएगा। तो ये हम पूरा का पूरा एक राइड आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से ये लोग वहाँ से चलते हैं और पूरी राइड क्या होती है। ये इस तरह से ये नीचे ले आया और लैंडिंग का पॉइंट था ना इनका, ये वहीं सारी लैंडिंग हो रही थी। ये देखिए, उतर गया आराम से। और इतनी पैरा ग्लाइडिंग हो रही थी कि एक के बाद एक वहाँ से चलना शुरू हो जाता था। कई बार तो आसमान में एक की बजाय चार चार पैरा ग्लाइडर्स जो है ना घूमते नज़र आते थे। इसमें भी 3 स्टेप्स थे ना, 3 मतलब पॉइंट है अलग अलग, तो सबके चार्जेस अलग अलग थे। जैसे वो ग्रीन पाथ दिखाई दे रहा ना, एक हाइट है, फिर दूसरी हाइट है, एंड देन तीसरी हाइट है। हाँ बेटे, क्या कह रहे हो? हाँ, यहाँ से लेकर और सॉक्स तक ब्लू है। ब्लू मैन स्नोमैन की जगह ही ब्लू मैन हो गया। ये आ गए हैं फिर से। अच्छा, पायलट साथ में रहता है? हाँ, साथ में रहता है। नीचे वो बैठा हुआ है, ऊपर वाला जो पायलट देख रहे हैं डोरी वोरी कैसे खींच रहा है, कैसे लगा रहा है। और ये आज के हो गए थे हमारे 3 व्यू देखने के लिए। और इसके बाद ठंड भी बढ़ती जा रही थी, तो हम निकल गए होटल के लिए और आ गए होटल में। तो थक हार के सब आ गए हैं। सब थक गए, सबकी हालत है कैसी हो रही है। अब क्योंकि सुबह के निकले हुए थे और बहुत ज़्यादा बर्फ़ में खेले थे, सब थके हुए भी थे, तो हम आ गए होटल में। और उसके बाद चेंज करके रिलैक्स होके हम गए थे खाना खाने के लिए। होटल का खाना हमें पसंद नहीं आया था, तो हमने खाने के लिए बाहर होटल तलाशे थे। तो पहले दिन हमने कहीं और खाना खाया था, दूसरे दिन फिर कहीं और पसंद आया, तो वहीं हमें अच्छा लगा, तो हम डिनर करने के लिए वहीं चले गए। और कल हमारा कहाँ का प्रोग्राम है, हम कहाँ जाएँगे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो टिल देन, बाय बाय।